Hello guys, my name is Aman and welcome to my YouTube channel School Fellow Classes. Guys, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है जो सिक्स क्लास की स्टार्टअप मैथमेटिक्स की बुक है उसका पार्ट टू करेंगे. और जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि जल्दी से जल्दी 7.3 का पार्ट टू आएगा, तो अभी बस वीडियो जो है पार्ट वन की ऑलमोस्ट अपलोड हो चुकी है और 7.3 की भी आज ही कर दूंगा मैं. तो चलिए फटाफट से इसको गाइज स्टार्ट करते हैं. 7 से 12 हम क्वेश्चन करेंगे और इसका जो 1 to 6 क्वेश्चन है और 7.2 है 7.1 है वो मैं ऑलरेडी वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ. तो गाइज क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं. आई होप कि आपने पहले वाली वीडियोस अच्छे से देखी होंगी और जिसने नहीं देखी है वो प्लीज़ देख लीजिए, क्योंकि अगर आप नहीं देखेंगे तो आपको ज़्यादा कुछ आज समझ में आएगा नहीं. तो क्वेश्चन नंबर 7 है गाइज, स्टार्ट करते हैं. रिजवान लिव्स 7 is 3/4 किलोमीटर अवे फ्रॉम हिज वर्कशॉप. इन द मॉर्निंग ही कवर्स 2 and 1/2 किलोमीटर ऑफ दिस डिस्टेंस ऑन फुट एंड द रिमेनिंग बाई अ लोकल बस. हाउ मच डिस्टेंस इज कवर्ड बाई हिम इन द लोकल बस. देखिए गाइज बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है. रिजवान जो है, रिजवान नाम से एक बंदा है, वो अपनी वर्कशॉप है इसकी, कोई सपोज कीजिए ये कोई उसकी वर्कशॉप है यहाँ पर वो काम करता है, ठीक है. इस जगह से वो कितना दूर रहता है, इतना किलोमीटर, 7 से 3/4 किलोमीटर. और जब वो मॉर्निंग में उठता है, मॉर्निंग में तो कवर कितना करता है, 2.5 किलोमीटर यानी कि 2:1/2 ऑफ दिस डिस्टेंस ऑन फुट एंड रिमेनिंग बाय अ लोकल बस. और कुछ लोकल बस से करता है, कुछ लोकल बस से भी कुछ किलोमीटर ट्रेवल करता है. तो क्वेश्चन अब ये पूछता है कि लोकल बस से वो कितना ट्रेवल करता है. देखिए गाइज हमको पता है टोटल डिस्टेंस कितना है उसकी वर्कशॉप के लिए, इतना. और मॉर्निंग में जब वो उठता है तो बाय फुट जाता है, ये 2.5 किलोमीटर जो है ये बाय फुट ये ट्रेवल करता है, या आप कह लीजिए कि कवर करता है. तो बाकी बचा हुआ डिस्टेंस किससे कवर करेगा, लोकल बस से करेगा. तो यही पूछा कि लोकल बस से कितना डिस्टेंस कवर करेगा. तो सबसे पहले तो इसको मिक्स फ्रैक्शन से हम क्या कर लेंगे, सिंपल फ्रैक्शन में कर लेंगे. तो मैंने पिछली क्लास में ही बताया था कि ये कैसे होता है, ये मल्टीप्लाई हो जाता है और ये प्लस हो जाता है. तो 4 7 + 28 + 3 = 31. तो 31/4 क्या था हमारा, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस. और कवर की, कवर कितना किया उसने फुट से, कवर्ड बाय फुट. ये आ जाएगा गाइज आपका, जब इसको हम सिंपल फ्रैक्शन में बनाएंगे तो 2 × 4 = 5/2 किलोमीटर. किलोमीटर लगाना आप ना भूलना, क्योंकि आदत इससे फिर धीरे धीरे खराब हो जाती है. अब देखिए गाइज कवर्ड बाय बस, या आप यूँ कह लीजिए कि डिस्टेंस कवर्ड बाय बस कैसे निकलेगा. भाई आप सिंपली लॉजिक लगा करके ये सोच के देखिए इसका आंसर देने से पहले, कि भाई ये मेरा घर है, ठीक है, ये मेरी, यहाँ पर ये मेरी वर्कशॉप है, ये डिस्टेंस कितना है, 10 किलोमीटर है. मैं 4 किलोमीटर तो जाता हूँ पैदल पैदल यानी कि फुट से, और बाकी बचा हुआ डिस्टेंस किससे कवर करता हूँ, लोकल बस से. तो लोकल बस से मैंने कितना कवर किया होगा, सर आपने 6 किलोमीटर कवर किया होगा. कितना किया होगा, 6 किलोमीटर किया होगा. कैसे पता चला कि सर 10 तो टोटल था, 4 वो चली गया है तो बच गया कितना, 6 बच गया. और ये यू कह लीजिए कि आप 10 में से 4 माइनस किया तभी तो 6 आया. तो भाई टोटल में से जितना फुट से कवर किया है उतना माइनस कर दूंगा मतलब, तो क्या आंसर निकल जाएगा, वो डिस्टेंस निकल जाएगा जो कि उसने लोकल बस से कवर किया होगा. तो ये 31/4 है और ये 5/2 है, माइनस कर देंगे. माइनस के लिए फिर से वही प्रोसीजर, इन दोनों का एलसीएम जब हम लेंगे तो एलसीएम गाइज क्या आएगा, इसका 4 आएगा. आप यहाँ पे रफ वर्क में करके भी दिखा सकते हैं और वैसे ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, वेरी इजी कैलकुलेशन है. 4 इसका एलसीएम आएगा. तो 4 × 1 = 4, तो 1 पे गया है तो 1 की मल्टीप्लाई 31 से करेंगे तो 31 आ जाएगा. माइनस का साइन है तो माइनस. 2 × 2 = 4, 2 पे गया ना, तो 5 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2 से करेंगे. तो 31 में से 10 जाएंगे तो कितना आएगा, 21/4 किलोमीटर. ऐसे भी लिख सकते हैं, और अगर आपकी बुक में इसको सिंप्लीफाई करके दिया हो तो इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे. तो 4 × 5 = 20 और ये नीचे रिमाइंडर बच गया 1. तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, जो रिमाइंडर जो सबसे नीचे होता है वो सबसे ऊपर चला जाता है, इधर वाला जो होता है वो यहाँ आ जाता है, और ये जो 4 बचता है ये यहाँ पर आ जाता है. ये आंसर आपका किलोमीटर में आएगा. अगर बुक में ऐसे आंसर पीछे गिवन हो तो ये भी ठीक है, और ज़्यादा अप्रोप्रिएट तो फिर ये है ही.
तो ये क्वेश्चंस थे गाइज, बहुत इजी क्वेश्चन आए, होप कि आपको समझ में आ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, देखिए क्या कह रहा है। जगदीप ट्रेवल्ड 1:3/4 किलोमीटर फ्रॉम करोलबाग टू पूसा रोड इन एन ऑटो रिक्शा। जगदीप जो है करोलबाग से पूसा रोड पर ऑटो रिक्शा से ये वाला डिस्टेंस ट्रेवल करता है, एंड 5:1/2 किलोमीटर फ्रॉम पूसा रोड टू न्यू दिल्ली। और फिर पूसा रोड पहुंचने के बाद भाई करोलबाग से पूसा रोड पहुंचा इतना डिस्टेंस ट्रेवल करके, फिर पूसा रोड से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जाता है वो टैक्सी से, और कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है ये वाला, कितना ये वाला। आफ्टर डेट जगदीप कवर्ड 1/3 किलोमीटर फ्रॉम पार्किंग ऑफ न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन टू द प्लेटफॉर्म ऑन फुट, वट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड। अरे बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है ये तो गाइज। देखिए क्या है, मैं आपको थोड़ा सा प्रॉपर वे में बता देता हूँ। स्टेटमेंट अगर इसकी हम बनाने की कोशिश करें तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय जगदीश, भाई जगदीश ने डिस्टेंस ट्रेवल किया किस किस से किया, एक तो किया फ्रॉम करोलबाग टू पूसा, फ्रॉम करोलबाग टू पूसा कितना किया गाइज, ये किया है 1:3/4 किलोमीटर। उसके बाद गाइज उसने क्या किया, पूसा रोड से न्यू दिल्ली, तो ये आप लिखना पूसा रोड से न्यू दिल्ली, में थोड़ा जल्दी जल्दी बता देता हूँ टू, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन आपने पूरा लिखना है। कितना कवर किया टैक्सी से किया वो एक अलग बात है, 5:1/2 किलोमीटर। और फिर उसने फाइनली न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन की जो पार्किंग थी, पार्किंग से प्लेटफॉर्म तक का भी डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया, और वो कितना था 1/3 किलोमीटर। तो टोटल पूछा है तो आप टोटल नहीं बता सकते, सर बता सकते हैं। कैसे बताओगे, सर प्लस कर देंगे। जी हाँ, तो सबसे पहले प्लस करने के लिए हमको ये जो मिक्स फ्रैक्शन है ये हमको सिंपल फ्रैक्शन में बनाने पड़ेंगे। चलिए यहीं पर बना लेते हैं, ये तो 1/3 ही रहेगा, सिंपल है। ये कितना हो जाएगा 2 5 10+1 11/2 किलोमीटर, और ये कितना हो जाएगा 4 1 4 और 3 7/4 किलोमीटर। अब आपको पता है 7/4 है, फिर 11/2 है या 1/3 है, तो इसका हम एलसीएम निकालेंगे। 2, 3 और 4 का एलसीएम जब आप निकालेंगे, चलिए मैं आपको निकाल करके दिखा देता हूँ। वैसे 12 आएगा, ये 2 बच जाएगा, यहाँ फिर 3 आएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, फिर ये 3 और ये 1 1 1, 2 2 जा 4 3 जा 12। अब ये देखिए 4 3 जा 12, तो 3 की मल्टीप्लाई किससे करनी पड़ेगी, 7 से, 7 3 जा 21, 2 6 जा 12, तो 11 की फिर किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 6 से, तो 66, और 3 4 जा 12, और 1 की जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। इन तीनों को गाइज जब हम प्लस करेंगे तो 66 और 4 70 20 90 और 1 91, यानी कि 91/12 किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा। और अगर आपको मिक्स फ्रैक्शन में, क्योंकि क्वेश्चन में काफ़ी सारी जो डिजिट्स थी वो मिक्स फ्रैक्शन में थी, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट हम कर सकते हैं वेरी इजीली। 12 के टेबल में 91 किसके पास जाता है, 7 जा 84, तो यहाँ पे 7 बच जाएगा हमारा रिमाइंडर। तो ये गाइज क्या हो जाएगा, जो रिमाइंडर बचता है वो ऊपर, जो यहाँ पे आता है वो यहाँ पे, और जो ये बच जाता है वो सबसे नीचे, और ये डिस्टेंस किलोमीटर में था तो किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा। तो ये था गाइज, ये यहाँ पर आपको फ्रैक्शन में दे दिया, तो आप कन्फ्यूज हो, कुछ बच्चे हो रहे होंगे। सपोज कीजिए मैं कहता कि करोलबाग से पूसा रोड तक उसने जाने के लिए 2 किलोमीटर ट्रैवल किया, और फिर पूसा रोड से न्यू दिल्ली जाने के लिए उसने 6 किलोमीटर ट्रैवल किया, और फिर पार्किंग से प्लेटफॉर्म जाने के लिए 1 किलोमीटर किया, तो आप इसका टोटल नहीं बता सकते। सर बता सकते हैं कैसे, 6+2 8 और +1 9, तो वो भी तो प्लस ही किया ना, तो ऐसे ही फ्रैक्शन में होगा। तो आप इस तरीके से भी इनको समझ सकते हैं, रट्टा नहीं लगा लेना। कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि जो जगदीश वाला क्वेश्चन होगा उसमें सारा प्लस कर देंगे, जो रिजवान वाला क्वेश्चन होगा उसमें माइनस कर देंगे, ऐसे नहीं करना है। सिंपली क्वेश्चंस को समझना है मजे से, बर्डन नहीं लेना है, इजी एकदम इसको समझना है। जब तक आपको समझ में नहीं आ जाता तब तक ये वीडियो बार बार देखनी है, बार बार खुद से सॉल्विंग करनी है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा मैथ आपका अच्छा हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, रंजना यूज 7:1/2 लीटर ऑफ रिफाइंड ऑयल टू फ्राई पूरीज। कितना लीटर ऑफ ऑयल फॉर कुकिंग ऑल अदर फूड, हाउ मच ऑयल वाज लेफ्ट आफ्टर वर्किंग इफ शी हैड अ कंटेनर विद 15 लीटर ऑयल। देखिए गाइज, रंजना नाम से एक लड़की है, उसके पास ना क्या है, एक कंटेनर है।
कंटेनर यानी कि जिसके अंदर सामान आता है, इसके अंदर कितना है, 15 लीटर ऑयल है यानी कि 15 लीटर तेल है, ठीक है, ये लिक्विड होता है तेल तो इसलिए लीटर में है। और उसने क्या किया, इस 15 लीटर में से, इस 15 लीटर में से गाइज उसने 7:1/2 लीटर था ये किस में लगा दिया, पूरी फ्राई करने में, पूरीज में लगा दिया, और कुछ हिस्सा इसका जो 6:3/4 था कुछ अदर फूड बनाने में लगा दिया, तेल का कुछ हिस्सा। तो अब ये पूछ रहा है कि इतना तो इसने पूरी बनाने में लगा दिया और इतना फूड बनाने में लगा दिया, तो अब 15 लीटर में से उसके पास कितना बचा होगा, कितना बचा होगा। पहले इन फिगर्स को भूल जाइए, सपोज कीजिए कि यहाँ पर जो है उसने पूरी बनाने के लिए 3 लीटर तेल का इस्तेमाल किया और अदर फूड बनाने के लिए 6 लीटर तेल का इस्तेमाल किया, और मैं पूछूं कि अब गाइज उसके कंटेनर के अंदर कितना तेल बचा होगा, तो आप इजीली बता पा रहे होंगे कि सर 3+6=9, तो उसने टोटल यूज किया कितना, 9 लीटर का था, कितना 15, तो 9 यूज कर लिया है तो माइनस करके कितना बच जाएगा सर, 6 लीटर बच जाएगा, जो कि बिल्कुल सही है। तो ये फ्रैक्शन देख करके आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, फ्रैक्शन देख करके बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, प्रोसीजर यही होगा, इन दोनों को प्लस कर देंगे और जो टोटल था उसमें से इसको माइनस कर देंगे ताकि बचा हुआ निकल जाए। तो प्लस जब करना है तो इन सबको, इन दोनों को पहले आप क्या करेंगे, पहले हम इन दोनों को मिक्स फ्रैक्शन से सिंपल फ्रैक्शन में बनाएंगे। मैंने अब जो है स्टेटमेंट जानबूझ के नहीं लिखवाई, वो आपका होमवर्क रहेगा, आप खुद से लिखनी सीखिए, रटना नहीं है कुछ भी। तो ये जो लीटर था जो पूरी फ्राई करने में लगाया था, ये क्या हो जाएगा, 2 7 14+1 15/2, और ये जो था 6:3/4 लीटर, ये क्या हो जाएगा, 6 24 3 27/4 लीटर। तो गाइस कोई नहीं, ये इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे 15/2 तो 27/4 एलसीएम, गाइस आपको पता ही है 2 और 4 का कितना आता है, 4 आता है, तो 2 2 4, तो 2 की मल्टीप्लाई जब 15 से करेंगे तो 30, 4 1 4 और ये आ गया आपका 27, तो ये कितना आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 3/4 लीटर जो ऑयल है वो यूज हो गया है। अब देखिए टोटल कितना था, 15 लीटर, और इसमें से यूज कितना कर लिया, 3/4 लीटर, तो रिमेनिंग कितना बच जाएगा, मतलब रिमेनिंग क्या होगा भाई, 15 में से 3/4 माइनस कर देंगे, इतना था इतना यूज कर लिया, तो बाकी बचा हुआ कैसे करने के लेगा, माइनस करके। तो 15 के नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 मान लेते हैं, पिछले क्लास में इसके बारे में हमने डिस्कस किया था, 1 और 4 का एलसीएम 4 ही होगा, आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, तो 1 4 जा 4 पे गया ना, तो 15 की मल्टीप्लाई 4 से तो 60 आ गया, 4 1 जा 4 और ये 3 1 जा 3, तो 60 में से जब 3 जाएंगे तो 57/4 लीटर इसका आंसर हो जाएगा। और अगर ऐसे नहीं तो आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं, 57/4 ये 14 पे जाएगा, आप इसको स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट करके देखिएगा, तो ये रिमाइंडर 1 बचेगा, 14 यहाँ आ जाएगा और ये 4 नीचे चला जाएगा, ये भी आंसर बिल्कुल ठीक है और ये भी ठीक है। आपके बुक में जैसे भी आंसर दिया हो आप इसको ऐसे कर लेना, वैसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट आप मुझसे पूछो तो ये वाला है। तो 3 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, 3 और रहते हैं, आई होप कि आपको तीनों क्वेश्चन ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, बहुत इजी क्वेश्चन है, सबसे इजी क्वेश्चन है 10 नंबर। देखिए 3 दोस्त होते हैं, पवन, सुधीर, दीवान, वो घर क्या लेते हैं, रेंट पे घर लेते हैं यानी कि किराए पे। पवन ने 1/2 स्पेस घेर लिया एकोमोडेशन का, एकोमोडेशन यानी कि जो जगह रहने की होती है उसको एकोमोडेशन बोला जाता है। सुधीर ने 1/3 ऑक्यूपाई कर लिया एकोमोडेशन का, तो बताइए कि अब दीवान के लिए कितनी जगह रह गई। सपोज कीजिए ये कोई कमरा था, इसमें से 1/2 सपोज कीजिए ये था, और 1/3 जो कि ये पवन ने घेर लिया था, ऑक्यूपाई कर लिया था, और 1/3 सुधीर ने कर लिया था, और जो बाकी बच गया था ये दीवान के लिए था। यही हमसे पूछा है कि ये कितना है। तो गाइज सिंपली बात है कि अगर हमको ये पता चल जाए कि ये टोटल कितनी जगह है, तो हम इन दोनों का प्लस करके माइनस कर सकते हैं जिससे दीवान का निकल जाए। वही जैसे टॉफी वाला एग्जाम्पल मैं अगर देने की बात करूँ, अगर 10 टॉफी है मेरे पास, मैं पवन को 2 टॉफी दे देता हूँ, सुधीर को 3 टॉफी दे देता हूँ, तो बताइए दीवान के हिस्से में कितनी आएंगी। सर बहुत इजीली बता देंगे, कैसे बता देंगे, सर 2 में 3 प्लस करेंगे तो 5 बच गया, और 10 में से जब 5 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 5, जो कि किसका हिस्सा है, दीवान का हिस्सा है। तो कोई बात नहीं, इसी इस क्वेश्चन को भी हम ऐसे ही करेंगे, बस फ्रैक्शन देख करके आपने पजल नहीं होना है। जब ऐसा कोई क्वेश्चन आपको दिया हो जहां पर क्वांटिटी ना गिवन हो, तो टोटल स्पेस हम ऐसे में क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं, सिर्फ 1। हम ये मान लेते हैं कि ये पूरी जगह कितनी है,
जो ये कमरा था ये वन मान लेते हैं, इसको एक कमरा था तो एक मान लेते हैं। अब देखना गाइस, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय पवन, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय पवन 1/2 और स्पेस ऑक्यूपाइड बाय सुधीर 1/3। तो जब 1/2 और 1/3 को प्लस करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 2 और 3 का एलसीएम लेंगे 6 आएगा, 2 3 जा 6 तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 तो 1 2 जा 2, यानी कि 5/6 जो स्पेस था एक टोटल स्पेस था और 5/6 उसमें से पवन और सुधीर ने घेर लिया। तो बाकी जो 1 में से 5/6 घेर लिया, अब जब हम इन दोनों को माइनस कर देंगे तो बाकी बचा हुआ आ जाएगा, क्योंकि टोटल में से ये वाला जब हम माइनस करेंगे तो बचा हुआ ही तो आएगा। तो टोटल 1 था, बड़े में से माइनस करेंगे हम छोटा। ये 5/6 आपको देखने में बड़ा लग रहा होगा लेकिन ये 1 से बहुत ही ज़्यादा छोटा है, तो 1 के नीचे कुछ नहीं है, तो 1 मान सकते हैं, ना भी मानो तो कोई बात नहीं, 6 है यहाँ पर सिंपली, तो इसका एलसीएम 6 आएगा। बस ये समझाने के लिए आपको लगाया ताकि आप कन्फ्यूज ना हो जाओ। तो 1 6 जा 6 है, तो 1 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो 6 आएगा, और जब इस 6 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो 1 आएगा, तो 5 की 1 से करेंगे तो 1/6 आ जाएगा और यही इसका आंसर होगा। और अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है तो वैसे होनी नहीं चाहिए। अब ये वाला स्पेस देखो पवन के पास चला गया, ये वाला सुधीर के पास चला गया और ये वाला दीवान के पास चला गया। कमाल की बात यह है कि टोटल हमने 1 माना था ना, तो कोई बात नहीं, देखिए मैं इसका 1 प्रूव करके दिखाता हूँ कि भाई टोटल 1 माना था तो जब हम तीनों को तीनों ने जो स्पेस घेर लिया उसको प्लस करेंगे तो टोटल ही तो आना चाहिए। भाई एक बंदे ने 4 टॉफी ले ली, एक ने 3 ले ली, तो दूसरे ने तीसरे ने 3 ले ली और टोटल कितनी टॉफी थी, 10। तो इन तीनों को प्लस करेंगे तो 10 ही तो आएगा। तो जैसे स्पेस यहाँ पर था 1/2, यहाँ पर था 1/3, यहाँ पर था ये दीवान का 1/6, तो इन तीनों को प्लस करके 1 आना चाहिए ना, क्योंकि टोटल हमने 1 माना था। देखिए आता या नहीं आता है, 2 3 और 6 का एलसी, ये समझाने के लिए, ये करके नहीं दिखाना आपको, ये आपका बस कंसेप्ट क्लियर कराने के लिए है। 2 3 और 6 का एलसीएम 6 आएगा, 2 3 जा 6 1 3 जा 3, 3 2 जा 6 तो 1 2 जा 2, तो 6 1 जा 6 और 1 1 जा 1, तो 3 और 2 5 और 1 6, तो 6/6 ये कैंसिल होकर के क्या आ जाएगा, 1/1, या फिर आप इसको सिंपली क्या कह सकते हैं, 1। तो हमारा वेरीफाई हो गया, ये वेरीफाई करके दिखाने के लिए था आपको, ये अपने पेपर में नहीं करने लग जाना है। 1/6 इस क्वेश्चन का आंसर है। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन था, थोड़ा समझाने में जरूर टाइम लगा लेकिन ऐसा कुछ नहीं था कि इसको समझ में ना आए किसी के। क्वेश्चन नंबर 11 है, लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, देख करके घबराना नहीं है, पहले आराम से क्वेश्चन को पढ़ना है, एक नहीं दो नहीं तीन बार, जब तक क्वेश्चन अच्छे से समझ में नहीं आ जाए, और उसके बाद ये एकदम से चुटकी में सॉल्व हो जाएगा। एन ऑयल कंटेनर, एक फिर से ऑयल कंटेनर आ गया, इसके अंदर कितना ऑयल है गाइस, 2:3/5 लीटर ऑफ ऑयल है। अनन्या पुट 1:1/3, अनन्या ने क्या किया, और तेल डाल दिया इसके अंदर, और तेल डाल दिया, कितना 1:1/3 लीटर तेल जो है और डाल दिया। बट लेटर शी फाउंड आउट डेट देर वॉज अ लीकेज, लेकिन उसको बाद में पता चलता है कि यहाँ पर कहीं पर मतलब इसमें क्या थी, लीकेज थी, जहाँ से तेल क्या हो रहा था, लीक हो रहा था या रिस रहा था। तो अब ये पूछती है, शी ट्रांसफर्ड द रिमेनिंग ऑयल इनटू अ न्यू कंटेनर एंड फाउंड दैट इट वाज ओनली 2:3/4 लीटर, हाउ मच ऑयल हैड लीक्ड। तो जब उसको लीकेज का पता चलता है, भाई देखो इतना तेल तो उसके अंदर पहले से होता है और ये वाली क्वांटिटी वो बाद में डाल देती है, और फिर जब ये वाली क्वांटिटी डाल देती है तो इसके अंदर ऑब्वियस सी बात है ये बढ़ जाएगी क्वांटिटी। तो इसके अंदर जब वो पूरी क्वांटिटी जब ये हो जाती है तो बाद में पता चलता है कि इसके अंदर तो लीकेज है, लीकेज का पता लगता है ये तुरंत ही दूसरे कंटेनर में पूरे ऑयल को ट्रांसफर कर देती है। लेकिन ट्रांसफर करने के बाद जब नापती है तो ये ऑयल कितना मिलता है, 2:3/4 लीटर। तो अब आपको ये बताना है कि कितना ऑयल वेस्ट हो गया। कितना ज्यादा इजी क्वेश्चन है गाइस, कितना ज्यादा इजी क्वेश्चन है। देखिए 2:3/5 लीटर जो था ये तो पहले से ही था, ऑलरेडी था हमारे पास कंटेनर के अंदर, ये तो क्वेश्चन में गिवन ही है, आप पढ़िए। तो इसको सिंपल फ्रैक्शन में बनाएंगे, 5 × 2 = 10 और 13/5 लीटर, और उसके अंदर कुछ और डाल दिया, कितना डाल दिया, 1:1/3 लीटर। तो 3 × 3 + 1 = 4/3 लीटर इसने अलग से डाल और दिया। तो अब इस कंटेनर के अंदर कितना तेल है, देखिए ये तो पहले से ही था, ये और डाल दिया, तो सर प्लस कर लेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि टोटल कितना है। ठीक है भाई, टोटल पता कर लो, -4/3, तो अब इनका सॉरी प्लस, तो अब इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 3 और 5 का 15, आप लेकर के देखना 15 ही आएगा, 5 3 जा 15, तो 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 13 से, 13 9 आएगा, 3 5 जा 15, 4 5 जा 20,
तो ये सॉरी प्लस आएगा, मैं भूल गया, तो ये गैस कितना आएगा 59/15 लीटर, कितना आएगा 59/15 लीटर। अब टोटल ये था 59/15 लीटर था हमारे पास, और इसमें से कुछ रिसना चालू हो गया, कुछ लीक होना चालू हो गया, और जब तक दूसरे कंटेनर में हमने डाला तो वो कितना बच चुका था, इतना बच चुका था, कितना बच चुका था 2:3/4 लीटर। तो 2 × 4 = 8 + 3 = 11/4 लीटर। सबसे पहले मिस फ्रैक्शन को हम सिंपल में कर लेंगे। देखिएगा इस टोटल ये था, बच गया ये, तो अब हम ये बता सकते हैं ना कि कितना वेस्ट हो गया। सपोज कीजिए 59/15 नहीं है, यहाँ पर आप 10 मान लीजिए, और बच जाता है हमारे पास कितना 4, तो अब हम बता सकते हैं ना कि कितना वेस्ट चला गया, कैसे 6 लीटर वेस्ट चला गया। भाई 10 था, 4 बच गया, तो 6 लीटर जो तेल था वो लीक हो गया होगा ना, कैसे पता चला, 10 में से 4 माइनस करके तो पता चला होगा। तो कोई बात नहीं, फ्रैक्शन को भी माइनस कर दीजिए, 59/15 में से जब 11/4 माइनस करेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल है, तो 15/4 का जब आप एलसीएम निकालोगे तो ये कितना आएगा, 60 आएगा। तो चलिए मैं निकाल करके दिखा देता हूँ, ये 3 पे ले जाते हैं सबसे पहले इसको, फिर 5 पे ले जाते हैं, वैसे इसका तरीका मैंने गलत किया है, 2 से 2 पे लेकर के जाना चाहिए था सबसे पहले, लेकिन थोड़ी वीडियो लंबी हो रही है तो इसलिए जल्दी जल्दी मैं आपको थोड़ा करके दिखा रहा हूँ। तो ये 15/4 = 60, ये आप इसको करेंगे 3 × 5 = 15 × 2 = 32 = 60, तो 15/4 = 64 पे गया, तो 59 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 236 आएगा, और 4 के टेबल में 60 कहाँ आता है, 15 पे आता है, तो 11 को 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, कर लेंगे, वेरी इजी है, कितना आएगा 165। ये आप खुद से करके देखना, ऐसे ही कॉपी मत कर लेना वरना फिर पेपर में आपको दिक्कत होगी। तो जब 236 में से 165 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 71/6/60, डिनोमिनेटर तो सेम ही रहेगा, और यही इसका आंसर है। और अगर आप इसको करके दिखाना चाहें और मिक्स फ्रैक्शन में, तो 60 है ये नीचे जो ये डिनोमिनेटर है ये यहाँ आ जाता है, 71 से 71 को डिवाइड करना, तो 60 × 60 रिमाइंडर कितना बच जाता है, 11 बच जाता है माइनस करके, तो जो नीचे बचता है रिमाइंडर वो सबसे ऊपर चला जाता है, इधर वाला यहाँ आ जाता है और 60 आ जाता है नीचे, और ये आंसर आएगा आपका लीटर में। आई होप कि आपको क्लियर होगा, बस थोड़े बड़े क्वेश्चन जरूर हैं लेकिन बहुत ज़्यादा सिंपल हैं, बहुत ज़्यादा ईजी हैं, और यहाँ से एक क्वेश्चन आप मान के चलिए कि पेपर में आएगा ही आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं, आज की इस वीडियो का और इस चैप्टर का दोनों का ही लास्ट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए गाइस क्या बोलता है, टू कंप्लीट अ प्रोजेक्ट पिंकी स्पेंड 5/6 hours ऑफ द ऑन द फर्स्ट डे, 3/4 hours ऑन द सेकंड डे, 1/2 hour ऑन द थर्ड डे, एंड 1:1/2 hour ऑन द फोर्थ डे, फाइंड द टोटल टाइम। बहुत ईजी का, बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ना है और सीधा आपके माइंड में ये क्लिक हो जाएगा कि इस क्वेश्चन में करना क्या है। देखिए पिंकी ने क्या स्पेंड किया, 5/6 hour तो एक दिन स्पेंड किए, ये पहले दिन की बात हो रही है, फिर दूसरे दिन की बात जब हो रही है तो उसने क्या है कि 3/4 hour स्पेंड किए किसी काम को करने में, थर्ड में बोलता है कि 1/2 घंटे स्पेंड किए, और फोर्थ दिन जो था कितना उसने स्पेंड किया, 1:1/2। इसको हम यहीं पे सिंपली क्या कर लेते हैं, मिक्स्ड से इसको सिंपल फ्रैक्शन में बना लेते हैं, 2 × 2 और 1 = 3, 3/2 hour। अब पूछ रहा है कि उसने टोटल काम को करने में कितना टाइम स्पेंड किया होगा, तो पहले दिन इतना है, दूसरे दिन इतना है, तीसरे दिन इतना है, चौथे दिन इतना है, टोटल पूछा है, सिंपली क्या कर देंगे सर, प्लस कर देंगे, तो 5/6 + 3/4 + 1/2 + 3/2, चारों का एलसीएम एक साथ ही ले लेंगे, चारों का एलसीएम जब हम लेंगे तो कितना आएगा, 24 आएगा, 24 भी नहीं इससे भी छोटा आ जाएगा, तो 12 आ जाएगा, तो 6 × 2 = 12, तो 5 × 2 = 10, 4 × 3 = 12, तो 3 × 3 = 9, 2 × 6 = 12, तो 1 × 6 = 6, 2 × 6 = 12, तो 3 × 6 = 18, इन सबको प्लस जब हम करेंगे तो 9 × 6 = 15 × 10 = 25 × 10 = 35 × 8 = 43, 43/12 hours, कितना 43/12 hours। और अगर आप इसको सिंप्लीफाई करके दिखाना चाहें तो 43 को आप अंदर लीजिए, 12 को बाहर लीजिए, तो 12 × 3 = 36, 7 आपका रिमाइंडर बच जाएगा, तो रिमाइंडर जो बचता है वो ऊपर आ जाता है, ये इधर आ जाता है, ये नीचे आ जाता है, और ये आंसर आपका आवर्स में, HOURS, और ये एलसीएम आप निकाल करके देख लीजिएगा, जब 6422 का एलसीएम निकालेंगे तो 12 ही आ जाएगा, सिंपली कॉपी नहीं कर लेना है बल्कि आपको पेन और कॉपी उठा करके सॉल्व करना है, तभी आपके कंसेप्ट जो है अच्छे से क्लियर हो पाएंगे। तो आई होप कि गाइस चैप्टर 7 आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर कुछ आपको डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में,
मैं ट्राई तो यही करता हूँ कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा डाउट्स का आंसर दिया जाए, लेकिन क्योंकि कंटेंट इतना ज़्यादा होता है और कमेंट्स इतने ज़्यादा आते हैं कि सबका पॉसिबल आंसर नहीं हो पाता देना, तो उस चीज़ को भी आप थोड़ा समझना। तो आप एक दूसरे की भी हेल्प कर सकते हैं, अगर कोई बच्चा डाउट पूछता है तो कोई और आकर के भी उसको सॉल्यूशन उसका बता सकता है, ऐसा कुछ नहीं कि मैं ही बताऊंगा। अगर आप कर सकते हैं तो कई कमेंट्स मुझसे छूट जाते हैं, क्योंकि दिन में कई सौ कमेंट आते हैं, कुछ में डाउट होते हैं, कुछ में कुछ होता है, तो मैं ट्राई यही करता हूँ कि रिप्लाई करूँ जल्दी से जल्दी, लेकिन फिर भी काफ़ी सारे कमेंट्स जो हैं वो छूट जाते हैं, उसके लिए सॉरी है। और ट्राई ये करूँगा कि आगे से आपके हर डाउट को मैं क्लियर कर पाऊँ। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, और चैप्टर का नाम होगा, चैप्टर नंबर 8 रहेगा हमारा, और चैप्टर का नाम है इसका डेसिमल्स। तब तक के लिए आप 7 चैप्टर को अच्छे से देखिए और इसी को करिए, और जब तक नेक्स्ट वीडियो नहीं आ जाती तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।